उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहारों की चर्चा करते हैं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य या कौन सा पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है, तो अवस्थिति पूछी जाती है। कभी कभी यहाँ से मैचिंग के प्रश्न भी आते हैं, तो इसे बड़े बारीकी से देखिएगा। बहुत ज्यादा नहीं है, आसान है, दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो पक्षी विहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो 13 पक्षी विहार हैं, लेकिन इनमें से 4 पक्षी विहार अब अभयारण्य में भी तब्दील हो चुके हैं। आइए एक एक करके हम क्रम देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहा जाता है, तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होगा नवाबगंज पक्षी विहार। 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है, तो याद रहेगा आपको इसको, नवाबगंज को चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद लाख बाहोस पक्षी विहार, मैचिंग में पूछा है कई बार, कन्नौज में है। पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो आप कहेंगे लाख बाहोस पक्षी विहार कन्नौज। ये 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है और इसकी 1988 में इसे पक्षी विहार घोषित किया गया। इसी तरीके से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो याद रखिए पटना पक्षी विहार। ये पटना बिहार वाला नहीं, पटना पक्षी विहार नाम है, ये एटा जिले में पड़ता है। 1990 में इसे पक्षी विहार घोषित किया गया, महज 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इसके बाद है समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। फिर है सैंडी पक्षी विहार, तो सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। फिर है बखीरा पक्षी विहार, ये भी अक्सर पूछता है, तो ये संत कबीर नगर में है। ये प्रश्न मैचिंग में बहुत बार आया है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, तो संत कबीर नगर में। फिर ओखला पक्षी विहार, तो ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर आप नोएडा कह सकते हैं। देखिए जो वर्ष है ना, ये पूरे वर्ष उतने नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन सा पक्षी विहार कहाँ है और उसकी अगर कुछ विशेषता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद से है समन पक्षी विहार, जिसे आप वन्य जीव विहार में परिवर्तित कर दिया गया है, तो समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। इसी तरीके से पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अब इसे भी वन्य जीव विहार में परिवर्तित कर दिया गया है, तो पार्वती अरंगा गोंडा में है। याद रखिएगा पार्वती अरंगा कहाँ है, गोंडा में है। फिर विजय सागर, विजय सागर को भी वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित किया गया है, ये भी एक पक्षी विहार है, तो विजय सागर महोबा और हमीरपुर इन 2 जिलों में पड़ता है। फिर सुरहाताल, सुरहाताल पक्षी विहार, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है, ये बलिया में है। इसी तरीके से सूर सरोवर पक्षी विहार, ये भी वन्य जीव विहार में तब्दील हो चुका है, तो सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, याद रखिएगा। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये प्रतापगढ़ में है, लोकैलिटी इसकी बेंती कुंडा, तो ये प्रतापगढ़ में है, याद रहेगा भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो इस तरीके से ये पक्षी विहार की स्थिति मैंने बताई, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 13 वन्य जीव अभयारण्य इसमें भी मिलेंगे। कुछ पक्षी विहार अभयारण्य में बदल चुके हैं। चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य, प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सब प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप कहेंगे चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है, चंदौली में है। 1957 में वन्य जीव अभयारण्य इसे बनाया गया था, याद रहेगा। फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ये 2073 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ अमरोहा और बिजनौर इन 5 उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में विस्तारित है। 1982 में इसे वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, याद रखिएगा। पूछता है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। फिर सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो कि ललितपुर जिले में है, ये 1977 में घोषित हुआ। पहले ये झांसी में था, ललितपुर बनने के बाद से ये महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर जिले में आ गया है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा।
कि महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ललितपुर में है, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इसी तरीके से किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट ये महत्वपूर्ण है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य चित्रकूट में। चंबल वन्य जीव अभयारण्य, चंबल वन्य जीव अभयारण्य आगरा इटावा और औरैया में है, तीन क्षेत्रों में फैला है। अभी इसके बारे में थोड़ा और मैं बताऊंगा। फिर कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये मिर्जापुर और सोनभद्र में विस्तारित है। इसी तरीके से सोहागी वरवा वन्य जीव अभयारण्य महाराजगंज में। इसी तरीके से सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य ये श्रावस्ती और बलरामपुर दो क्षेत्रों में फैला हुआ है, दो जिलों में। इस तरीके से कछुआ वन्य जीव अभयारण्य तो ये वाराणसी में है, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य। इसी तरीके से पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य ये 2014 में घोषित हुआ था, पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य, जो कि पीलीभीत और इसके बाद शाहजहांपुर में इन दो क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और गंभीरता से पढ़िएगा। मैंने सारी चीजें डिस्कस की, इंपॉर्टेंट भी जो जो था मैंने बता दिया। आप चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, महावीर स्वामी, इसके बाद कतरनिया घाट, चंबल, फिर कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, इतना जरूर याद रखिएगा कि कहाँ है, अक्सर पूछा जाता है, बाकी इतना ज्यादा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर ले वन्य जीव से संबंधित। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 490 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। 1977 में पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, उसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1977 में दुधवा उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा ही है। 1987 में इसे प्रथम टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। डेट याद रखिएगा, जो कि लखीमपुर और बहराइच इन दो क्षेत्रों में, लखीमपुर खीरी और बहराइच इन दो क्षेत्रों में फैला हुआ है दुधवा नेशनल पार्क, विशेषकर प्रथम जो टाइगर रिजर्व है। इसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बिजनौर में है, अमनगढ़ में 2012। ये दरअसल इसी जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसी का एक विस्तारित बफर जोन है। बफर जोन ही उसे कहते हैं कि अगर किसी परिस्थिति में दुधवा में वहां पे बाघों की संख्या सही, या बाघ मर रहे हैं या उनकी संख्या अधिक हुई या किसी प्रकार से, तो रिजर्व क्षेत्र के लिए बिजनौर है। उसके बाद से तीसरा राष्ट्रीय ये जो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया, तो ये 2014 में पीलीभीत और शाहजहांपुर में यह है, ये घोषित हुआ। ये पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य में ही ये राष्ट्रीय उद्यान यानी यू कहिए कि ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तीन, कहाँ कहाँ? दुधवा, बिजनौर और पीलीभीत। अगर प्रश्न पूछे ये तीसरा, तो पीलीभीत और शाहजहांपुर। इसी तरीके से पहला है जो ये पूरा का पूरा दुधवा, ये लखीमपुर और बहराइच में, और ये बिजनौर में। तो इस तरीके से ये सब बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद से कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लें। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इटावा में है। नाइट सफारी यानी रात्रि वन्य जीव पार्क, रात्रि वन्य जीव पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन ही है। इसी तरीके से लायन सफारी पार्क यानी बब्बर शेर सफारी, तो ये इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, अभी आपने देखा था ये जो चंबल अभयारण्य है इटावा, तो इस इटावा में ये लायन सफारी पार्क यानी बब्बर शेर सफारी की स्थापना की जा रही है। ये जो चंबल क्षेत्र है ये मगरमच्छ का बहुत महत्वपूर्ण मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है एलिफेंट सफारी, ये भी इटावा के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में इसकी भी ये यानी इसे भी बनाया जा रहा है, ये भी स्थापित किया गया है। इसके बाद कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। नोट्स बनाते रहिए, बेहतरीन नोट्स बना लीजिए और इसे पढ़ते रहिए। चलिए आइए इसके बाद मैं चर्चा कर दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर है। तो उत्तर प्रदेश में तीन प्राणी उद्यान है। पहला नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है, दूसरा एलएम फॉरेस्ट प्राणी उद्यान जो कि कानपुर में है, और तीसरा शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान जो कि निर्माणाधीन है
गोरखपुर में। नवाब वाजिद अली शाह ये 1921 में बना। फिर एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान ये जून 1974 में बना। और शहीद अशफाकुल्ला ये जो प्राणी उद्यान है अभी निर्माणाधीन है गोरखपुर में। इस तरीके से दो प्रश्न और। तितली पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यान में ही की गई है, ये जो लखनऊ और कानपुर है। और उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो वृंदावन में है। तो इस तरीके से सारी महत्वपूर्ण वन्य जीवों की भी मैंने यहाँ पे चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा।